कब होंगे रोनाल्डो के यूट्यूब पर 100 मिलियन? हाँ यही सवाल उठ रहा है। मतलब हम तो लगातार कहते आ रहे हैं कि गुरु जिंदगी में जलवा हो तो रोनाल्डो जैसा, नहीं तो बेहतर है चुपचाप खामोश बैठो, क्योंकि दुनिया के सारे नेता, सारे फेमस लोग, सारे पैसे वाले लोग वो एक तरफ और रोनाल्डो का जलवा एक तरफ। भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैनल बनाने के 1.5 दिन के अंदर 30 मिलियन सब्सक्राइबर पा गए, और जैसे ही उनके 30 मिलियन हुए पता लगा कि यार ये दुनिया का फास्टेस्ट है। हालांकि फास्टेस्ट तो वो थे ही, क्योंकि पहले दिन अगर आप सिल्वर प्लेट, गोल्डन प्लेट और डायमंड प्लेट पा जाते हैं और YouTube वाला आपके चैनल खुलने के 6 घंटे में आपके घर पर गोल्डन प्लेट लेकर पहुंचता है, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस आदमी का जलवा कितना बड़ा है। ये वही आदमी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ चंगू पंगू लोगों ने ये स्टोरी चला दी थी कि YouTube हैंग कर जाएगा, इसलिए रोनाल्डो को YouTube पर आने के लिए इजाज़त नहीं है। लेकिन रोनाल्डो न सिर्फ आए बल्कि आए और छाए, और इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास बनाया कि वो दुनिया के पहले इंसान बन गए जिनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो यूट्यूब पर हो गए फास्टेस्ट। रोनाल्डो ने जैसे यूट्यूब बनाया 90 मिनट में उनके 10 लाख सब्सक्राइबर थे, 24 घंटे में 20 मिलियन हो गए और 1.5-2 दिन के अंदर 34 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ गए। अब फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब रोनाल्डो के क्या 100 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि रोनाल्डो और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। आप जस्टिन बीबर को देखिए, अब तक 73 मिलियन है, टेलर स्विफ्ट की 59 मिलियन है, रोनाल्डो के 2 दिन में 34 मिलियन है, फीफा के 21.5 मिलियन है, मेसी के 2 मिलियन है, लेकिन रोनाल्डो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। उफ क्या कहानी भाई साहब। रोनाल्डो का यूट्यूब पर आना अपने आप में एक नई कहानी है। जिस तरह से वेंसडे को उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया, एक दिन के अंदर यार अगर आपके इतने फॉलोअर आ जाते हैं तो फिर आप क्या कहा जाए, 20 मिलियन सब्सक्राइबर एक दिन में, यहां पूरी जिंदगी लोगों गुजर जाती है मिलियन पहुंचने में, और 20 मिलियन एक दिन के अंदर, दैट्स इनसेन। दुनिया में कभी किसी इंसान ने एक दिन में 20 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल नहीं किए थे, लेकिन रोनाल्डो ने एक दिन में करके दिखा दिया। केवल 12 वीडियोस, 7 शॉर्ट वीडियोस, और रोनाल्डो को एक दिन में सिल्वर प्लेट, गोल्डन प्लेट और डायमंड बटन सारी मिल गए एक दिन के अंदर। पहले दिन रोनाल्डो को जो व्यूज मिले हैं दैट वर 60 मिलियन प्लस व्यूज, 127 मिलियन प्लस व्यूज 2 दिन के अंदर, 127 मिलियन प्लस व्यूज 2 दिन के अंदर। उफ मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्टर बीस जिनका इतना जलवा है, 10 साल लग गए उस आदमी को 100 मिलियन पार करने में, और इस आदमी ने 2 दिन में 32 मिलियन पा लिए। और इसीलिए चर्चा शुरू हो गई, क्या रोनाल्डो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में 100 मिलियन पार कर जाएंगे? 10 मिलियन यार 12 घंटे बहुत बड़ी बात है भाई। YouTube के इतिहास में सबसे ज्यादा फॉलोअर गेन करने के मामले में इनका नाम आ गया है। एक जमाने में मिस्टर बीस्ट को मिले थे 1-2 मिलियन, लेकिन अब 24 घंटे में 20 मिलियन कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोई मैच नहीं है, और यही वजह है कि वो इन सबसे फिलहाल सबसे आगे निकल चुके हैं। मतलब रोनाल्डो क्या कहा जाए यार, दुनिया में इस लेवल की फैन फॉलोइंग हमने नहीं देखी थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से रोनाल्डो का जलवा जलाल हुआ है, जिस तरह से उनके नाम के साथ कमाल हुआ है, ये इनसेन है। और इसी वजह से उनके समर्थक, उनके आलोचक सभी बात कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात मिली ये थी कि यार 6 घंटे में यूट्यूब वाला पहुंच गया, योर क्रिस्टियानो के नाम से चैनल लॉन्च हुआ, और जैसे ही पोस्ट किया कि इंतजार खत्म, यूट्यूब चैनल आ चुका है, लोग पागलों की तरह जाकर जुड़ गए। 6 घंटे में उनके घर पर गोल्ड बटन पड़ी थी, दैट वॉज इनसेन। मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी यार। यूट्यूब भी रेडी बैठा था कि आदमी का चैनल लॉन्च होगा, और ऐसा लगा कि लोग लिखना शुरू कर दिया हो कि हाँ रोनाल्डो का ही आ गया, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ शुरुआत करी। रोनाल्डो ने कहा कि यूट्यूब चैनल है, फैंस के साथ और अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। हालांकि वो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो उनके 112 मिलियन फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पर पागल दुनिया उनके लिए 636 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन, तो इस हिसाब से 32 मिलियन, 30 मिलियन, 34 मिलियन बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। बट अगेन कभी इतिहास में किसी ने ऐसा देखा नहीं था, इसलिए ये देखना हैरान करता है।
हालांकि रोनाल्डो पैसों के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। रोनाल्डो की अगर आप ओवरऑल संपत्ति की बात करोगे तो 2.18,000 करोड़ रुपीस है।